हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज बात करेंगे रीडिंग की। रीडिंग हेडेक बन चुका है काफी सारे स्टूडेंट्स के लिए। आईएलटीएस का रीडिंग लिटरली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? जो स्टूडेंट्स 7 या फिर 7.5 बैंड लेवल के होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग में, उनके 5 या फिर 5.5 बैंड स्कोर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीडिंग क्यों इतना डिफिकल्ट है? तो एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि जो रीडिंग का टेक्स्ट होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। जो आप स्पीकिंग में यूज़ करते हो, जो आप राइटिंग में यूज़ करते हो, जिस टेक्स्ट फॉर्मेट को, उससे लिटरली काफ़ी डिफरेंट होता है। जो भी रीडिंग का टेक्स्ट होता है वो एक्चुअली लिया जाता है किसी मैगजीन से या फिर किसी न्यूज़पेपर से वगैरह से लिया जाता है। तो आपको करना ये है कि आपको टेक्स्ट जो फॉर्मेट है उसको समझना है, उसको सीखना है कि वो कैसे काम करता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा तरीके से ओमिशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ किया जाता है। ओमिशन मीन्स जितने भी प्रपोजिशंस होते हैं वो सारे ओमिट कर दिए जाते हैं, मोस्टली प्रपोजिशंस को ओमिट किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है कि जो भी पूरा एक सेंटेंस होता है उसकी जगह पे दैट या फिर दिस लगाकर पूरे सेंटेंस को उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझना ज़रूरी है। और इस तरीके के सेंटेंसेस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं समझने में, आपको पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। तो अगर आपको रीडिंग में 7 बैंड्स को लाना है तो सिर्फ उसके टेक्स्ट को समझो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो या फिर कोई मैगजीन पढ़ो, उसमें से आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि टेक्स्ट किस तरीके से काम करता है। तो अगर इस टेक्स्ट को आप समझ लोगे तभी आपको 7 बैंड का आपका लेवल हो जाएगा। बिकॉज आप जब टेक्स्ट समझ लोगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लोगे, तो फिर उसमें जो डिफिकल्ट एडवांस वोकैबुलरी दी होती है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में दी हुई है वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सो योर फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर रीडिंग इज टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट फॉर्मेट दैट इज गिवन इन द रीडिंग मॉड्यूल। तो फिर आज ही से सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना स्टार्ट करें रीडिंग के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़कर या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़कर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के बारे में कैसे बात हो रही है, एंड डेफिनेटली आंसर्स लाना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इंप्लीमेंट करें इस मेथड को। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। आई विल टॉक टू यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।